झंझानी साहब, क्या आपको 2022 में या 2023 में शहबाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आते हैं? देखिए जी, 2022 में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो उनका वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात है। 2023 में 2023 ऐसा है कि शहबाज़ शरीफ साहब के जायचे में 27 मार्च 2022 में एक इनके अच्छे दौर का स्टार्ट हो रही है, एक वीनस की इनकी अंतर्दशा स्टार्ट हो रही है। अच्छा, तो वीनस इनके जायचे में एक ऐसा प्लानट है कि जो इनको इक़्तिदार के करीब कर सकता है लेकिन कुर्सी के करीब नहीं कर सकता। कि ये जैसे अपोजिशन लीडर रहे हैं, चूँकि इनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, उसका लॉर्ड मार्स जो है वो डिबिलिटेड सबसे वर्स्ट पोजीशन में, और वो भी 9th हाउस में। हाँ। तो जब तक इनके बड़े भाई जो नवाज शरीफ साहब हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो हयात हैं, तब तक शहबाज़ शरीफ साहब किसी भी मनसब के ऊपर, किसी अहम ओहदे के ऊपर फाइज होते हुए नजर नहीं आ रहे। वज़ीर आला बन सकते हैं लेकिन वज़ीर आज़म के ओहदे तक भी पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म के ओहदे पर पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। 2022 में तो बिल्कुल भी नहीं, और वो भी 23 के ऑनवर्ड जो इलेक्शन है तब हम देखेंगे कि क्या उस वक्त की प्लैनेट्स की पोजीशन। लेकिन आपने कहा कि जब तक इनके बड़े भाई हयात हैं तब तक शहबाज़ शरीफ के जो सितारे हैं वो नहीं बताते ये इल्म आपको।